देख लो गाइस, तो पहले अरबियों के घर कैसे होते थे और आजकल तो मतलब बहुत खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बना के। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज आप सभी आ चुके हैं एक नई जगह पे जो है अबू धाबी का कॉर्निश बीच। तब तक आप लोग साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करो। देखो आप में भाव नहीं खा रहा, ये देखो ये सीन। ओके, सीन्स कुछ ऐसे हैं। वाह जी वाह। गाइज, अगर आप लोगों ने आना है ना, तो हर प्लेस के लिए एक दिन काउंट करके आना है। मतलब दुबई मॉल जाना है तो वन डे फॉर दुबई मॉल, वन डे फॉर आप चलो दुबई मॉल के साथ ना आप बुर्ज खलीफा और वो भी कर सकते हो, चलो डांसिंग फाउंटेन। ठीक है, बल्कि ये ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा मैं डिटेल बताऊंगा। ठीक है, वो होगी टूर गाइड वीडियो। ओके गाइस, तो बीच के बाद हम इधर आ गए हैं हेरिटेज विलेज में। ठीक है, हेरिटेज विलेज के अंदर जरा चलते हैं। सही है, तो ज़रा चलते हैं हेरिटेज विलेज के अंदर अंदर अंदर। ओके, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। कैसे हैं शो या बाबे सारे आ गए हमारे। ओहो, मैंने आज ना चप्पल पहने गया तो पॉम्प्स फिसल रहे हैं मेरे। सही है, और मैंने कहा यार इजी है, चप्पल में चलते हैं। क्यों भाई, पाँव में ना समय लास्ट टाइम जो जब मैं बीच, जो मेरा बीच जिस टाइम गया था ना, तो अब नंगे पाँव चलने की वजह से ना नीचे शायद रेत गर्म थी, तो रेत गर्म होने की वजह से पता नहीं मेरा ना वो हो गया पाँव में, पता नहीं छाला सा बन गया हुआ है, तो शूज़ में थोड़ा तंग करता है मुझे। तब फिर अगले दिन मैं शूज़ भी कितने दिन तो फिर मैं शूज़ के साथ भी घूमता रहा हूँ। बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे लेट थोड़ा सा ना। ठीक है, इधर कोई मीटिंग चल रही है। सीन्स कुछ ऐसे हैं हेरिटेज विलेज में। अच्छा जी, ये देखो जी घर है टाइप का, चीज़ से पानी गिर रहा है और वुमेन हैंडीक्राफ्ट हो रही। जूते उतारने के नहीं उतारने, नहीं उतारने। ओके, सीन्स कुछ यूँ हैं। ओके, ये कैप है और ये बास्केट टाइप है, बकेट। ये चाचा जी को देखो अभी हंस रहे हैं। हाँ, ये दुबई का नकाब ही होता है, दुबई वालों का नकाब। ये पता नहीं मैंने कभी अरसा पहले यूट्यूब पर कहीं वीडियो देखी थी। अच्छा, आगे भी जा सकते हैं। ओके, ये चेक करो, इधर आ जाओ जी। ओके, सीन चेक कर सकते हो आप। अच्छा, हैंड बैग्स भी उन्होंने हैं बने हुए, हाथ के बने। या ओके, मैंने कहा उनका कर ना गंदा हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आ जाओ आप। ओ, दिस इज द मशीन वेयर यू दे आर वीविंग, या मेकिंग सम कारपेट। ओके, दिस कारपेट इज मेड बाय यू, दिस वन। ओके, दिस कारपेट हाउ मच फॉर दिस? दिस वन 3000 दिरहम। 3000 दिरहम का गाइस ये है, और बाकी द सीन और ऐसा है। या ओके, हियर ये आप देख कर सकते हैं, पूरी उन्होंने ना रानी बनाई हुई शायद। ओके, हियर यू कैन सी, ये सारा है। ओके, अब ये बाकी हम नेक्स्ट वापस चलते हैं, कहीं और चलते हैं। ठीक है, तो ये मशीन तो हम देखी हुई है, मैंने भी, बच्चा सो रहा है, सोने दो, उसको तंग ना करो यार। ओके जी गाइस, तो ये इधर है कुआं बना हुआ है। ठीक है, ये देखो सबसे ये रस्ता है, रस्सी के साथ ही अपना कुएं में ये भरते थे। नेक्स्ट मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, एक्सक्यूज मी, अभी हैं हिरन छोटे छोटे से। ओके, तो ये तंबू के अंदर जा रहे हैं हम। ठीक है, अंदर आ चुके हैं। सही है, और ये पता नहीं क्या है, मे बी चारा डालने की जगह। ये संदूक है, चलो ये तो ठीक है, संदूक है। व्हाट इज़ दिस, उस साइड पर कुछ हो ही ना, चलो सही है। अच्छा, ये वैसे ही अच्छा है, वो ऊपर ना उन्होंने वो बनाया हुआ हैंगर टाइप, लाइक हैंग करने के लिए हैंगिंग डंडा। लो जी, ये अभी हम आ चुके हैं पहाड़ी इलाके में। ठीक है, तो यहाँ पे अब उन्होंने पहाड़ी स्टाइल की चीज़ें बनाई है। आप अगर नारंगगान में भी बंदा जाए तो ये वहाँ पर जाके भी बंदा एक्सपीरियंस कर सकता है ऐसी चीज़ें। ओके, लेट्स गो इनसाइड। तो ओ यार, ये अच्छा, ये भी यूज़ करते थे ये, मुझे लगा ये पाकिस्तानियों के पास है, लेकिन उन्होंने अंदर बर्फ़ लगा लिया। अब लगा लिया ना, वरना पहले तो उधारी सी बात है, वही होती होगी। अच्छा, इधर से तो पहले अरबियों के घर कैसे होते थे और आजकल तो मतलब बहुत खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बना के कहीं रुकते ही नहीं है। अब पाकिस्तानी का वीज़ा भी नहीं देते पाकिस्तानी को, बड़े गैरत लोग। ये चेक करो। ओके जी गाइस, तो अभी ये हम पिंग लेंगे।
आई होप्स कि दिस वन इज वेल. ओह वाओ, डर था मुझे गिरना चाहिए लेकिन नहीं गिर रही. ओके तो इधर बीच भी है साथ में. नाइस. अच्छा, उस साइड से मुझे नज़र आ रही थी जब हम आ रहे थे तो ये बीच थी. ओके तो इधर भी मतलब बीच भी है साथ में. ये अपना हेरिटेज म्यूजियम की बैक साइड है और इधर भी सीन्स काफ़ी मज़ेदार हैं. चेक करो आप. ओह वाओ. ओके तो मेन म्यूजियम आई थिंक सो इस साइड था और हम उधर घूम रहे थे. लो जी इस साइड पे ज़्यादा चलते हैं अंदर और सीन्स देखते हैं क्या क्या. ओह नाइस, इधर सीन्स मुझे लग रहा है अच्छे हैं. हाँ, इसका मतलब मैंने तो मिस कर रहा था मैं उधर. और ये पुराने बाबों की तस्वीरें होंगे. ठीक है. ओके हाँ, ये इनका समझो सामान है. ये मतलब बेल्ट लग रही है मुझे और ये चाकू वगैरह. ठीक है. ओ असला भी रखा हुआ है भाई, पुट्ठा रखा हुआ है. अच्छा ये रखते ही ऐसे हैं. तो इधर साथ में है ये लो, ये चाकूज हैं और तलवारों के बल्कि वो म्यान ये हैं तलवारें. लोग कहते हैं ना एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती. ये देखो एक म्यान में एक दो और ये छोटी छोटी तीन. एक उन्होंने बनाई उस तरह किया एक है फिर एक नाना हुआ. चलो जो भी है. तो ये इधर हैं, ये भी हैं तलवार. यहाँ इससे जंगे लड़ते होंगे ये. तो वो है ना हेरा फेरी वाला असला देखना है. तो ये है हेरा फेरी वाला असला. ओके ये कॉइन्स हैं इनके. अशरफ सैफुद्दीन. हाँ ये कॉइन्स हैं सारे. ठीक है. मतलब हमारी भी करेंसी अक्सर चेंज होती रहती है उसी तरह इनके भी ये कॉइन्स हैं जो कि चेंज होते रहे होंगे. ठीक है. मैं थोड़ा जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँ ताकि हम नेक्स्ट साइड पे जाएं और आपको भी बोर ना करें. तो यहाँ पे बॉट्स हैं अल क्वारब. ठीक है. ओके नाइस यार, ये अच्छी जगह है. ठीक है. पीछे वाली से नस्बत ये ज़्यादा बेहतर है. वो मैं शॉर्ट. ओके ये आप देख लो. ओ वाह, ये इन्होंने ना छोटे छोटे मॉडल्स बनाए हुए हैं. मे बी ये सेल के लिए हों. एंड पता नहीं अगर नहीं सेल के लिए अगर होते तो कोई पर्सन होता रिप्रेजेंटेटिव होता. ये अच्छी हैं, ये बाय करने वाली थी अगर होता कोई रिप्रेजेंटेटिव चीज़. ओके ये है इनका किला. ये डिजाइनिंग हो रही है ग्लास में. आई थिंक ग्लास बनेंगे इसका फिर. और ये बर्तन बाकी बने हुए हैं जो ये दोस्तों. तो ये अरबियों का कुबार है. ठीक है. इसने ये बनाए हुए हैं. ठीक है. ये इसकी मशीन जिससे वो मिट्टी में लगा के मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुबार नहीं होता जो वो ये अरबियों का. ठीक है. मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ. ठीक है. तो ये देख लो ये आंटियाँ हैं, ये भी छोटी बच्ची है, ये है बच्चा फुल अडल्ट और ये बाबा बन गया. और ये तो बकरियों का वाड़ा होता है इस तरह का. पता नहीं इन्होंने क्या चीज़ शो की हुई है. आई होप सो गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो. ठीक है. और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. ओके टेक केयर बाय.